You're not well again, Ada. Are you ever funny? What? Why are you ever? उम्मीद तो की थी कि यू नो गाना अच्छा यू नो लोग पसंद करे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले गाने को, लेकिन जब एक्चुअली हो जाता है तो आपको लगता है कि थैंक गॉड, यू नो एक सांस में सांस आ जाती है कि आपने कोई चीज़ को लेकर एक अंदाज़ा लगाया था, मेहनत की थी उसके ऊपर और वो रंग लाई, जब यू नो गाना हिट होता है तो व्यूज़ आते हैं तो आपको अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा सीरियसली। आई थिंक वी बोथ गॉट द कॉल्स टुगेदर एंड आई थिंक जब हम दोनों ने हाँ बोली सो वी बोथ लाइक स्पोक टू ईच अदर एंड लाइक ओके वी आर डूइंग इट सो या दैट इज वो था कि हम दोनों को एक साथ ही आया था एंड द सेम पर्सन कॉल्ड बोथ ऑफ अस एंड ऑफ कोर्स हम दोनों ने एक दूसरे का आई थिंक दे प्रोबब्ली वांटेड अस टू डू समथिंग टुगेदर एंड अमन हुज़ द डायरेक्टर, हम दोनों मतलब पहले से जानते भी उसे, सो ही थॉट कि हमारी जोड़ी यू नो अच्छी लगेगी गाने में एंड दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। और सच में शूट करते वक्त भी मज़ा आया, ऑलरेडी 2 दिन में 2 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं तो और भी अब अच्छा लग रहा है कि जब गाने को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, सो आई जस्ट होप इट कंटिन्यूज दिस वे एंड जहाँ तक मैं गाने की टैलेंट की बात करूं तो यासिर जी ने बहुत अच्छे से गाया, लिरिक्स अमेजिंग, लिरिक्स आशीष शरासी ने दिए हैं, ही रिटन इट रियली वेल, लोग बहुत लिरिक्स की भी तारीफ कर रहे हैं और एंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। हाँ मैं आधा आई रिमेम्बर मैं सेट पे पहुंचा तो आधा मेकअप करा रही थी, मैं सबसे पहले आधा के वैनिटी में गया एंड आई मेट हर एंड हम एक्चुअली शूट तो नहीं किए थे काफी टाइम बट मिले भी नहीं थे बिकॉज लॉकडाउन था तो हम इतने टाइम कोविड के वो टाइम से सब लोग मतलब वो जो मिलना था वो थोड़ा कमी हो गया था सबका, सब अपने अपने लिमिटेड लोगों को मिल रहे थे और घर पे ही थे ज़्यादातर क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि यू नो इनफैक्ट अभी भी इट्स लाइक दैट यू नो पीपल आर नॉट फुल फ्लेजिडली इतना लोगों से नहीं मिल रहे सो बट आई वॉज सो सो हैप्पी टू सी हर एंड हमने बहुत बहुत बातें की, बहुत ज्यादा बातें की हमने, लाइक सीरियसली वी हैड अ ग्रेट टाइम, पूरा नॉस्टैल्जिक ही था, मतलब हम शूट भी वहां कर रहे थे जहां हम नागिन शूट करते थे तो एक दो लोकेशन ऐसी थी जो जंगल था वो सब था वो हम एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग शुड हम यहां शूट करते थे यू नो सो डेफिनेटली यार थोड़ा सा ब्रेक ब्रीफ मोहब्बत की हो जाएगी उसके उसके डायरेक्टर का क्या लिखता आपने
I think director's brief is, I mean, it's a music video. It's every scene has a particular emotion to it. So we were just leaving those emotions as and when the shot was ready for that. Yeah. And he told us that. Storyline pata di, so we knew what we had to do. Yes. And I think Aman was very happy. Aman was very cooperative actually, because he was giving us improvise karne bhi de raha tha, aur main वो छूट दे दी थी कि आपको जो अच्छा लग रहा है आपको जो ठीक लग रहा है वो आप करो वी विल सी हाउ इट इज लुकिंग एंड सो वी वर लाइक या सो दैट्स डूइंग आवर ओन थिंग आल्सो I mean, you know, these things are destiny. Yeah, these things are destiny. You can't think. You can't decide. कि अब साथ में फिल्म करनी चाहिए साथ में. I mean, it totally depends on how मतलब वो चीजें साथ हो होना एक साथ. वो बहुत rarely होता है कि और बार बार. बार बार यार you can't say. And ये भी music video we didn't expect it. वो हो गया by chance, you know. तो we don't know कि आगे क्या होगा या क्या करें. हाँ ऑफ कोर्स है मैंने कब मना किया करेंगे करेंगे डेफिनेटली इंशाल्लाह जरूर कल ही साइन कर देते हैं हाँ चल तू कॉन्ट्रैक्ट बना मैं साइन करता हूँ ठीक है चल ठीक है डन